और दोस्तों वेलकम बैक टू अवर चैनल दोस्तों बताने वाले हैं ई पी एफ ओ एस एस ए का जो कट ऑफ है कितना रह सकता है ठीक है तो इसके कट ऑफ़ के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा मेरे भाई तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी विस्तार से बताएंगे कि कौन से कैटेगरी के लिए कितना कट ऑफ़ रह सकता है लोवेस्ट कट ऑफ आपको बताने वाले हैं मेरे भाई उतना अगर आपके उससे ज़्यादा मार्क्स बनेंगे ठीक है अगर आपका उससे ज़्यादा मार्क्स बन रहा है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा आपको टाइपिंग की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए ठीक है तो विस्तार से बताएंगे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा मेरे भाई आपको भी पता है कि इसमें जो प्रश्न पूछे गए थे रीजनिंग इंग्लिश मैथ जीके और कंप्यूटर से आपके प्रश्न पूछे गए थे ठीक है अगर बात करें प्रश्नों की संख्या की तो भैया तीस सवाल आपके रीजनिंग से ठीक है और पचास सवाल इंग्लिश से फिर तीस आपके, आपके मैथ से जी से आपके तीस सवाल और कंप्यूटर से आपके दस सवाल पूछे गए थे अगर टोटल की बात करें दोस्तों तो टोटल आपके डेढ़ सौ प्रश्न पूछे गए थे ठीक है टोटल आपके डेढ़ सौ प्रश्न पूछे गए थे दोस्तों और प्रत्येक प्रश्न आपका चार मार्क्स का था तो यानी कि हो गया पंद्रह चौका साठ जो आपका पूर्णांक बनने वाला है छः सौ तक रहने वाला है ठीक है तो भाई इसका जो कट ऑफ है कितना जा सकता है कितने मार्क्स आपके होने चाहिए कि आपका सिलेक्शन हो जाए आप टाइपिंग के लिए क्वालिफाई हो जाओ तो इसके बारे में आपको बताएंगे तो अंत तक बने रहिएगा भई अगर बात करें इसमें मैं टाइपिंग क्वालीफाई की तो भैया आपको भी पता है कि पैंतीस के स्पीड से आपका इंग्लिश का टाइपिंग होना चाहिए ठीक है पैंतीस के स्पीड से आपका जो है इंग्लिश का टाइपिंग होना चाहिए और सैंतीस के स्पीड से आपका जो है हिंदी का टाइपिंग होना चाहिए ठीक है तो कुछ इस तरीके से चीज़ें हैं भाई देखिए ऐसा है कि आपका जो एग्ज़ाम है दोस्तों कई शिफ्टों में आयोजित करवाया गया है ठीक है कई शिफ्टों में आपका जो पेपर है इसको कंडक्ट कराया गया है तो भैया ऐसे में आपका जो नॉर्मलाइजेशन है ये तो होगा हो ही होगा ठीक है नॉर्मलाइजेशन आपका होगा दोस्तों जैसा कि मेरे भाई आपको पता है कि अठारह अगस्त का जो पहला वाला शिफ्ट था इसमें थोड़ा सा इजी लेवल के प्रश्न आपको देखने को मिले थे ठीक है तो भैया अठारह अगस्त का जो फर्स्ट शिफ्ट था इसमें ईजी लेवल के प्रश्न आपको देखने को मिले थे कह सकते हैं इजी शिफ्ट था ठीक है और 21 अगस्त का जो सेकंड वाला शिफ्ट था दोस्तों इसमें थोड़ा सा टफ़ लेवल के प्रश्न आपको देखने को मिले थे ठीक है तो भाई ऐसे में नॉर्मलाइजेशन तो आपका होगा ही होगा और उम्मीद की जा सकती है कि पंद्रह से बीस मार्क्स मार्क्स आपके बढ़ सकते हैं नॉर्मलाइजेशन में ठीक है पंद्रह से बीस मार्क्स आपके बढ़ सकते हैं दोस्तों नॉर्मलाइजेशन में भाई आइए दोस्तों बात कर लेते हैं इसके सेशनल कट ऑफ के ऊपर कि इसका जो सेशनल कट ऑफ है इसके बारे में आपको जानकारियाँ दे देते हैं भाई देखिए अगर बात करें हम सेशनल कट ऑफ की ठीक है अगर हम करे है, दिखे, दिखे, बात करें दोस्तों सेशनल कट ऑफ की बड़ा रोल निभाने वाला है यह अपने आप में ठीक है ऐसा है कि अगर सेशनल कट ऑफ़ की बात करें तो बहुत से छात्र छात्राएं बाहर होंगे जैसे कंप्यूटर में बहुत से छात्र छात्राएं आपके जीरो मार्क्स लाए हैं ठीक है बहुत से छात्र छात्राएं ऐसे हैं दोस्तों जो जीरो मार्क्स लाए हैं कोई कोई तो माइनस में भी चला गया माइनस वन माइनस टू में भी चला गया समझ रहे हैं तो ये तो ऐसे ही बाहर हो जाएंगे तो भैया ये तो ऐसे ही बाहर हो जाएंगे और बहुत से छात्र छात्राएं ऐसे हैं दोस्तों जो कंप्यूटर अटेम्प्ट कर ही नहीं पाए हैं ठीक है कुछ रीज़न रहा होगा वो समय से नहु, नहीं पहुँच पाएँ या कुछ और दिक्कत रहा होगा तो वो कंप्यूटर वो जो है अटैम्प्ट नहीं कर पाएँ तो भैया ऐसे में बहुत सी चीज़ें हो सकती है तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो जिसनल कट ऑफ है बहुत बड़ा रोल निभाने वाला है अपने आप में और आपको भी पता है मेरे भाई कि दस गुना छात्र को आ, बुलाया जाएगा आपका ठीक है दस गुना छात्र बुलाए जाएंगे तो ऐसे में जो इसका कट ऑफ है कितना रह सकता है कितने मार्क्स आपके होने चाहिए कि आप सिर्फ स्कोर पर रहो तो उसके बारे में आपको जानकारियाँ देने वाले हैं ठीक है तो आइए समझ लेते हैं इसका जो कट ऑफ़ है दोस्तों कितना रह सकता है तो इसके कट ऑफ के बारे में आपको बता देते हैं देखिए दोस्तों ऐसा है कि जो भी कट ऑफ हम आपको बताने जा रहे हैं एक्सपेक्टेड है यह देखिए ऐसा है कि जो भी यूट्यूबर आपको कट ऑफ बताएगा ठीक है जो भी आपको कट ऑफ बताएगा दोस्तों वो एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं होगा वह आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा ठीक है तो भैया दो तीन नंबर आपके आगे पीछे हो सकते हैं तो ऐसे ही कुछ कट ऑफ हम आपको बताने वाले हैं आप देख लीजिएगा आपका जो कट ऑफ है कुछ इन्हीं के बीच में देखने को मिलेगा आपको लोएस्ट कट ऑफ आपको बताने वाले हैं ठीक है लोएस्ट कट ऑफ आपको बताने वाले हैं अगर इसके अगर इससे ज़्यादा नंबर आपके बन रहे हैं दोस्तों तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा आपको टाइपिंग की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए ठीक है तो आइए समझते हैं इसका जो कट ऑफ कितना जा सकता है तो इसके कट ऑफ़ के बारे में आपको जानकारियाँ दे देते हैं मेरे भाई अगर बात करें हम इसके कट ऑफ़ को लेकर तो यू आर कैटेगरी में जा सकता है तीन सौ नब्बे से तीन सौ बानवे याद रहे दोस्तों जितने भी कट ऑफ हम आपको बता रहे हैं यह एक्सपेक्टेड है ठीक है और यह लोएस्ट है मतलब कम से कम हम कट ऑफ आपको बता रहे हैं अगर इससे ज़्यादा आपके मार्क्स बन रहे हैं ध्यान से सुनिएगा अगर इससे ज़्यादा आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा आपको टाइपिंग की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए ठीक है तो यू आर कैटेगरी में अगर इससे ज़्यादा मार्क्स आपके बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा ओ बी सी कैटेगरी की बात करें मेरे भाई तो ओ बी सी कैटेगरी में आपका जो कट ऑफ रह सकता है तीन सौ सत्तर प्लस ठीक है तीन सौ सत्तर नंबर से अगर ज़्यादा आपके मार्क्स बन रहे हैं तो हो जाएगा आपका ओ का बता ही दिए समझ लेते हैं ई का तो ई का बता देते हैं तो भैया ई में अगर आपके साढ़े तीन सौ से मार्क्स साढ़े तीन सौ मार्क्स से ज़्यादा बन रहे हैं दोस्तों तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा ठीक है तो ये हो गया भैया ई का ये समझ लेते हैं एस कैटेगरी की अगर एस वालों की बात करें तो इनका जो कट ऑफ है रह सकता है तीन ठीक तीन सौ बीस प्लस दोस्तों इससे ज़्यादा अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है एस टी कैटेगरी का समझ लेते हैं तो एस टी में रह सकता है आपका तीन सौ प्लस ठीक और अगर बात करें हम एक्स सर्विस मैन की तो एक्स सर्विस मैन का रह सकता है दो सौ पंचानबे ठीक है तो भाई अगर इससे ज़्यादा मार्क्स आपके बन रहे हैं तो आपको टाइपिंग की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए जी हाँ दोस्तों आप देख लीजिएगा आपका जो कट ऑफ है कुछ इसी प्रकार से देखने को मिलेगा ठीक है तो भैया उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल पर अगर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लें ऐसे अपडेट्स हम आपको देते रहते हैं मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद